आज कुछ कपड़े वगैरह धुली हूँ, वो तो डेली धुलाता है, और पर्दे में सारे उतार दी हूँ। और सारी सफाई के बाद पर्दा तो धुलना ही पड़ता है, बहुत गंदा हो गया था पर्दा। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, मेरा ये ना फ्लावर कितना सुंदर लगता है। मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को शेयर करती हूँ। अभी तो बहुत फ्लावर मेरे ख़राब हो गए हैं। और ये है मेरा टमाटर का पेड़, तो इसमें जो है छोटी छोटी ये फ्लावर आए हुए, बहुत खुशी होती है। ये मेरे हाथ का ही लगाया हुआ है, और ये सब फलियाँ इसमें निकल रही है, लेकिन जब टमाटर आएगा तो मज़ा आएगा। और ये है मेरा पुदीना, और तुलसी जी अभी मेरी बहुत छोटी हैं, क्योंकि मेरा हमेशा मार्च में तुलसी जी सूख जाती हैं, तो नहीं लगाई हूँ। ये मेरा टमाटर का पौधा हो गया। मैं आज पर्दे धुली हूँ, आज मैं पर्दे धुली हूँ। धूप भी बहुत अच्छी है, धूप भी बहुत अच्छी है। और कॉलोनी का देखिए इतना अच्छा धूप निकला हुआ है। और बस सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बस यही है। तो चलिए मैं दूर से दिखला रही हूँ फ्लावर। ये देखिए सामने, जूम नहीं हो रहा यार। हाँ, ये इनका फ्लावर बहुत सुंदर लगता है, ये वाला पिंक वाला। और ये ऊपर देखिए गाइस कितना पहाड़ है। हमारे यहाँ ऐसे ही पहाड़ों पे घर बना हुआ है तोड़ तोड़ के, और यहाँ पे सीढ़ी अभी लगी है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, वो जामुन का पेड़ है। एक मिनट, मक्खी आ गई थी। और ये है आम का पेड़, जा रही है। आम जामुन बहुत लगा है यहाँ पे, ये आम। इस पर आप लोग को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए आम लगा हुआ है बहुत ढेर सारा। ये देखिए हमारे पीछे भी किचन बालकनी में भी आम बहुत था, आगे वाले बालकनी में भी आम है। तो कितना अच्छा लगता है ना आम, पता नहीं क्यों मुझे ग्रीनरी से इतना प्यार क्यों है। और ये लगा अशोक का पेड़। तो बारिश में ना मेरा कॉलोनी बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ पर बिना पर्दा का घर बहुत गंदा लगता है, पूरी रोशनी रोशनी अजीब सी हो रही है। और ये जो आप फ़ोन देख रहे हैं ना, वो लैंडलाइन नहीं है हम लोगों को, जहाँ मेरे हस्बैंड ऑफिस का फ़ोन है, ये हम लोगों को ऑफिस से मिला। तो चलिए पर्दा उतार लेती हूँ। अरे बहुत धूप है वहाँ। आलू लहसुन डाल देती हूँ यहाँ पर, छोटे कपड़े भी उतार ली हूँ। अब मैं इसको बंद कर दे रही हूँ। प्याज भी ले लेती हूँ, क्या प्याज अभी थोड़ी देर आगे दे। मन कर रहे दरवाजा, अंधेरा अच्छा लगता है। मेरी बेटी बोल रही है अंधेरा अच्छा लगता है, मैं गर्मी में डार्क रूम ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ कपड़े, जब फ्री होने के बाद फिर फोल्ड करूँगी। और आप मेरी हालत देख सकते हैं, इतना गर्मी, और मेरा टी शर्ट पूरा गीला हो चुका है, क्योंकि आज बहुत सारे काम किए। पता है ये आप जो रजाई देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ब्लैंकेट क्यों रखा है। पता है एसी मेरा लीक कर रहा था, और ये पूरा पानी रिस के मेरे बॉक्स के अंदर, ये बेड है ना इसके इधर पूरा बॉक्स है, तो पूरा जाके पूरे जैसे नहीं फंगस होता है उस टाइप का लग गया था। तो इसको मैं 4 दिन धूप दिखलाई हूँ, अब इसको बॉक्स में डाल दूंगी। और ये मैंने पूरा, मतलब जब से मैं ठीक हुई हूँ सफाई में ही लगी हुई, ये पूरा मैं गद्दी होता है ना चेयर का, तो साफ वाली बॉक्स से निकाल के रख दी थी, ऐसे सेम है चारों मेरा। और इसको साफ करके अब मैं बॉक्स में डाल दूंगी। तो दिन भर सफाई चलती रहती है, कुछ ना कुछ मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ। मैंने दोनों बच्चों का सिर पर रखा है। तो चलिए मैं लंच बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, उबल चुका है मेरा। तो बिना पर्दा का गर्मी में घर नहीं अच्छा लगता, और बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब मेरे हस्बैंड अभी, आज तो वेडनेसडे उनकी छुट्टी रहती है, तो अभी वो काम से कहीं बाहर गए, आएंगे तो वही पर्दा टांगेंगे, क्योंकि मेरे बस का तो नहीं था पर्दा टांगना। तो
मेरा सब्जी बन रहा है, मेरी सोया करी बन रहा है मेरा, और ऐसा लग रहा है यार कोई पर्सनैलिटी नहीं रह जाती घर बिना कटिन के। तो बस मैं नहा धो के शाम को आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस बहुत ज़्यादा काम है, और पता है वेडनेसडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है ना, तो जो मतलब क्या बोलते हैं जो हेल्प लेने वाला काम होता है ना, मैं अपने हस्बैंड से ले लेती हूँ। तो मेरा जितना पेंडिंग काम होता है या जितना छूटा हुआ काम होता है वो मेरे हस्बैंड से ले लेती हूँ। क्लास चल रहा है लड़की का, तो हेल्प ले लेती हूँ। तो अभी बस उनका वेट कर रही हूँ, आएंगे तो वो पर्दे वगैरह लगाएंगे, मेरा खाना बन जाएगा। और आज मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना है। तो चलिए खा पी के फ्री होके फिर शाम को आप लोगों से बात करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ लंच करने। तो यहाँ पे सोच रही हूँ ना आज मैं सोयाबीन करी बनाऊँ। तो ये देखिए मेरा बॉइल्ड हो चुका है ये। अब इसको मैं फ्रेश वाटर से वॉश करके इसकी मैं ग्रेवी, और ग्रेवी की भी तैयारी की हुई हूँ मैं। ये देखिए मिक्सी में मैं, और उधर कढ़ाई उड़ाई रखा है गाइस तो अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर मैं मसाले डाल दी हूँ, टमाटर प्याज वगैरह। यहाँ पर मेरा सलाद का तैयारी है। आज सब रोटियाँ खाएंगे, रोटी रोटी अभी आज इसके साथ इन लोग बोल रहे हैं सोया करी के साथ रोटी अच्छा लगता है। तो मैं तो अपना एक चम्मच चावल, चलिए फिर इसको रेडी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि ये अब बॉयल्ड हो चुका है, तो ये देखिए बॉयल्ड हो चुका है ये, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा लंच रेडी है। ये है सोया करी, और कुछ राइस बनाई हूँ, रोटी सैलड, और ये है बूंदी का रायता। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा एक हफ्ता पूरा लेट जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को जरूर इंजॉय कीजिएगा। कुछ हेल्थ इशू हैं तो बस यही है वीडियो मेरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बज रहा है 7:30 शाम का, और दोनों बच्चे हमारे बहुत दिन पर बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा बाइक चलाने जा रहा है, और मेरी बेटी जो है वो थोड़ा सा चल रही है अजीब सा, क्योंकि वो मेरा स्लीपर पहनी थी। तो बस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बस मैं बैठी हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना मेकअप में क्या कर रही हूँ। तो मैं पिछले 1.5 साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरे हर वीडियो में एक कमेंट जरूर आता है कि मैम आप बिंदी नहीं लगाते हो, आप सिंदूर नहीं लगाते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं सिंदूर भी लगाती हूँ, बिछिया पहनती हूँ, हाँ मैं मेकअप नहीं करती हूँ, साड़ी नहीं पहनती हूँ मैं, क्योंकि मुझे आदत नहीं है साड़ी पहनने की। और मैं मेन क्या है कि जब चीज आप जब कोई भी चीज शुरू से अगर आप कर रहे हैं तो आप अंत तक वही करते रह जाते हैं। पर मैं शुरू से साड़ी नहीं पहन रही हूँ। मैं जब अपने ससुराल में, अब तो पहले जब जाती थी ससुराल में तो साड़ी भी पहनती थी, लेकिन इधर पिछले 10-12 साल से क्या मतलब 20 साल से, हाँ 20 साल से मैं साड़ी भी नहीं पहन रही हूँ, सूट पहन के जाती हूँ। हाँ ससुराल में मैं सूट पहनती हूँ। तो मैं सोची कि चलो आज मैं अपने वीडियो का जो मैं एंड करूंगी वो पूरे फुल मेकअप के साथ करूंगी। तो मेरे समझ से ये फुल मेकअप है, और मैं गले में पहनी हूँ, कान में पहनी हूँ, सिंदूर लगाई हूँ, खूब मोटा सा बिंदी लगाई हूँ, और मेरे से ज्यादा मेकअप मतलब मेकअप तो मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ, बट मुझे ना मेकअप मतलब घर में नहीं रह पाती मैं ये सब करके। तो मैं चूड़ियां भी पहनी हूँ, दो कंगन पहनी हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों की शिकायत दूर कर दी, और मैं वीडियो का सोची मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो बहुत मेहनत लगाई ये वीडियो, गर्मी में ना ये सब कैरी करने का मन भी नहीं होता है। तो पहले से ही सोची थी कि मैं इस वीडियो का एंड मेकअप करके ही एंड करूंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कुछ अपने साड़ी के क्लिप मैं पिक्स डाल दूंगी, तो प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा अपने आप पे, स्टे होम स्टे हैप्पी, बाय बाय।